मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र स्थित मंडी समिति में एक व्यापारी पर दर्जन भर से अधिक बदमाशों द्वारा हमला और फायरिंग करने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। फायरिंग और मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। मंडी समिति में आर्त का काम करने वाले बबलू चौधरी का आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ सामने की दुकान पर बैठे हुए थे, तभी कुछ देर बाद बाइक पर सवार होकर एक दर्जन से अधिक युवक वहां पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इनके हाथों में लाठी, डंडे, बेल्ट और तमंचे भी थे। इन बदमाशों ने चारों तरफ से घेर कर मारना शुरू कर दिया। आरोपी उसे जान से मारने के नियत से हमला भरते, वे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे और एक कुर्सी उठाकर बदमाशों की तरफ फेंकी ही थी कि एक युवक ने उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके छर्रे उन्हें भी लगे हैं। हंगामा और शोर शराबा होता देख बदमाश मौके से भाग गए। पीड़ित बबलू का कहना है कि इन बदमाशों ने एक दिन पूर्व होली के समय भी उनके घर पहुंचकर हमला किया था, जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई है और ये फायरिंग और मारपीट की सूचना भी दे दी गई है। पुलिस कुछ देर बाद पहुंची थी। पीड़ित व्यापारी ने मुरादाबाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। मंडी समिति में कल हुआ घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। बबलू चौधरी जी, क्या मामला है पूरा और कौन सी जगह का मामला है? ये मंडी मझोला के अंदर जो है, मैं अपने जो है, मेरा जो जिस जगह का मैं माल बेचता हूँ उस जगह में बैठा हुआ था। 5:20 पर आया था। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं आप? क्या मैं आलू प्याज का काम करता हूँ। जी जी, कितने समय से करते हैं? 88 से मेरा काम है, 90-88 से मेरा काम है। आज वो 30-32 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरी कोई ऐसी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई मतलब था। और जो है मैं कल के बारे में बताऊँ आपको। कल जो है जैसे मेरे घर पर 50-60 बाइकें गई मुझसे। कहाँ पर गई? कहाँ रहते हैं? घर पर पीतम नगर। अच्छा, रहने वाले पहले, इससे पहले कहाँ के रहने वाले? नसीलपुर गांव, थाना मैनेटेर, पुनर की ब्लाक में। और जो है फिर जो है कल जो है इन्होंने वहीं पे जो है मिले थोड़े देर, उसके बाद एक लड़का बोला कि वो ऐसा है कि ठाकुरों के बड़ा हम जो जलवा दिखाते हैं, तो उनने जो है प्रिंस नाम का लड़का और पवन का भाई है वो और एक सचिन है, इन दोनों ने जो गोलियां चलानी चालू करी, गोली इन्होंने मारे 5 फायर मक्कल। क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे या कोई ऐसी चीज़ लगी है जिससे कि मतलब पता चल जाए, जैसे कि आप बता रहे हो? लगभग कितने समय की घटना है ये सब? लगभग जो है 5:15 की। अच्छा, क्या क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने आके पहले बात तो इधर को पूरी मोटरसाइकिल गई, उसके बाद फिर लौट के आए, यहाँ खड़ी करी मोटरसाइकिल, मैं यहाँ बैठा था इधर की तरफ उसकी विशेष की दुकान पर। विशेष की दुकान है ये, BCS की दुकान में बैठा। उन्होंने जो है मुझे जो आते ही जो मुझे खींच के लाए, उसके बाद जो 2-4 मुझे थप्पड़ भी मारे, मैंने जो पीर भाज गया पली तरफ, उन्होंने फिर एक गोली मारी, मैं वहाँ गिर गया। उसके बाद फिर दूसरी गोली मेरे वहाँ उधर मारी, उधर जो है मैंने जो है मैं फिर जो है मेरा छर्रा भी लगा एक, और ये भी है एक पेट में ये छर्रा, ये वाला ये लगा, समझे? अच्छा सर, जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर थाना मझोला लगता है, पुलिस को सूचना दी, क्या पुलिस मौके पर पहुँची थी? मौके पर उस टाइम मैंने सूचना देता ही बात को आई है, पहले नहीं पहुंच पाई। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंच गई? हाँ, पहले भी वो कल भी पहुंची थी पुलिस मौके पर, दोनों ऐसा पहुंची, 2 घंटे बाद आई है। और वो जो है बाकी सीधी कैमरा ये है उनके जो है। तो क्या कैमरा जो यहाँ पर लगे हैं, उस कैमरे में जो देखा जाए जा रहा है, तो क्या उसमें सब दिखाया जाएगा? सब दिखाया, सब आएगा दिखाने वो, मगर हमने जो देख लिया कि मोबाइल पर आया मैंने देखा, और जिसके कैमरा लगा नरेश के मोबाइल में मैंने देखा ये, और जो है वो दिखाने को इनकार कर रहे हैं। उनका हो सके कोई उनका कोई, अब क्या चाहते हो आप? क्या मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय की गुराग लगाऊंगा। जो ऐसा जिसने गलत करा है वो उसको सजा मिलनी चाहिए, और मैंने कोई सजा नहीं करी है। मुझे अगर मैंने गलत करा है मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो क्या कोई आपके रिलेशन में थे, क्या थे, किस मेरे से कोई रिलेशन नहीं था? आज के में मेरा कोई रिलेशन नहीं था, ना कोई मतलब था मेरा इससे। कहाँ के लगभग आपको लग रहा, कहाँ के लोग थे वो? रामेश्वरी कॉलोनी के लौंडे थे 3-4। और जो होता क्या मुझ पर हमला करा, होता का लड़का होता तो उनसे गोली मार देती है मेरे लड़के को। जैसे कि आप बता रहे हैं वो कल भी आपके घर गए, तो हाँ। क्या आपके पहले से पहचान थी उनसे? नहीं, जान पहचान पहले से थी। क्या करते हैं वो लोग? वो कुछ नहीं भाई, ऐसे ही हैं, लफंगे से ही हैं, जो बड़े जो क्या नाम है जो गांजा पांजा सुइयाँ पुइयाँ अपने लगाते हैं। आपके टच में थे? कैसे थे वो टच में आप? लड़का हमारे जो साथ में एक लड़का, उनका पवन नाम जो है, वो साथ में लड़का पढ़ा था, उसकी टच से थे बस। बाकी वो एक लड़का ही था, बाकी और कोई लड़का इसकी टच से नहीं था।